Mr. Mukesh Gandhi of the Ajit Dada Pawar NCP, or the real NCP, which has now been reduced to exactly one seat in Parliament. So let's go across to him. Mukesh Gandhi Saab, Namaskar. Namaskar. How are you, sir? Jai Siya Ram, Har Har Mahadev. Jai Siya Ram, Jai Har Har Mahadev. So sir, portfolios mein to koi khas fark nahi hai, matlab exactly the same thing, jo pehle tha, waisa hi hai. Gadkari Saab ke paas bhi wahi department hai, Piyush Goyal Saab ke paas bhi commerce hai. निर्मला सीतारमन जी के पास भी फाइनेंस है, होम मिनिस्टर अमित शाह साहब भी हैं, एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर जयशंकर साहब हैं, राजनाथ सिंह साहब के पास डिफेंस मिनिस्ट्री है, एग्जैक्टली द सेम थिंग. हरदीप सिंह पुरी पेट्रोलियम मिनिस्टर हैं, फर्स्ट क्लास चल रहा है. एक्सेप्ट ज्योतिरादित्य सिंधिया हैज बीन गिवन टेलीकॉम, उनको शायद टेलीकॉम मिनिस्ट्री दी गई. क्या कहेंगे सर? मिस्टर मोदी हैज सेट इन मोशन स्टैंडर्ड ऑफ कंटिन्यूटी, सो टू स्पीक. सर, मोदी जी ने बहुत ही अच्छी तरह से सारी सीटें मिनिस्टरों को दी है और उनका काम और एक्शन ऑफ वर्किंग विल स्टार्ट इमीडिएटली. तो ये जो आयोजन हुआ है वो मेरे लिए, मेरे हिसाब से बहुत ही अच्छा और सही हुआ है. और ये जो 100 मिनिस्ट्री जिनको जिनको दी गई है, दे आर मोर कैपेबल पर्सन. यू हैव अनाउंस नाउ एंड यू हैव स्टेट फ्रॉम द टीवी, so it's a very good thing. Fantastic. Except the only thing is our dear friend, my dear friend, Mr. Narayan Rane has not been made a minister, which is sad. Really and truly sad. नहीं, पर महाराष्ट्र में से already, हाँ बोलिए सर, महाराष्ट्र में से already मिनिस्ट्रों को पोर्टफोलियो मिले हैं, तो मोदी जी को भी बैलेंस करना पड़ता होगा ना इसके लिए. तो क्या प्रफुल्ल पटेल जी और तटकरे जी के बीच में तनाव है? क्या एनसीपी अजित पवार जी पार्टी में तनाव है कि एक मिनिस्ट्री दे रहा था सुनील तटकरे जी? क्या उनके डिमांड था कि मुझे मिले? क्या ये हम लोग क्या विवाद के तरफ जा रहे हैं? एनसीपी अजित पवार के गुट, आर वी हैविंग ट्रबल्स देयर? गांधी साहब, नहीं नहीं, इसमें कोई विवाद नहीं था, पर बात ऐसे हुई कि प्रफुल्ल पटेल जी वॉज एक्सपेक्टिंग द कैबिनेट मिनिस्ट्री, कैबिनेट स्टेटस ऑफ द पोर्टफोलियो. दैट्स राइट. एंड द गवर्नमेंट हैज ऑफर्ड हिम स्टेट मिनिस्टर ऑफ स्टेट, बट मिनिस्टर ऑफ स्टेट विद इंडिपेंडेंट चार्ज. मिनिस्टर ऑफ स्टेट विद इंडिपेंडेंट चार्ज, यस. हां, पर दैट ही हैज नॉट एक्सेप्टेड. यस, यस. तो तब लोगों को, पार्टी के लोगों को ऐसा था, तो ये अगर प्रफुल्ल पटेल नहीं ले रहे हैं तो सुनील तटकरे जी को ये पोस्ट दे देनी चाहिए. तो उनके लिए भी एक आग्रह चल रहा था, उसमें थोड़ा विवाद, थोड़ा चर्चाएं हुई थी, पर पार्टी के अंदर कोई झगड़ा नहीं है. अजित पवार जी ने क्लियरली बोला कि प्रफुल्ल पटेल जी हमारे सीनियर नेता है और उनकी मिनिस्ट्री ही कंफर्म हमें करनी है और वो हम करने के लिए नरेंद्र मोदी जी को रिक्वेस्ट करेंगे. राइट. अच्छा सर, ये बता दें ये क्या मिनिस्ट्री है? अजित दादा पवार साहब ने आज कहा, आज एनसीपी का अधिवेशन था, उसके दौरान उन्होंने कहा कि 3 और एमपी हमारे पास आने वाले हैं, हमारी संख्या जो 1 से 4 हो जाएगी. ये क्या सर, ये 3 नए एमपी कहां से आने वाले हैं? हाँ, वो तो मुझे भी पता नहीं है कौन आने वाले हैं, कैसे आने वाले हैं. सर, आपको एक एक चीज मालूम है, आप बता ही दो ना सर यहाँ पे. नहीं नहीं नहीं, हमारी कोर ग्रुप की कल मीटिंग होने वाली है, उसमें मुझे पता चलेगा तो मैं आपको फोन करके बता दूंगा. सर ये क्या है सर, फिर दोबारा वन मोर स्प्लिट शरद पवार साहब की पार्टी में? सर कितने स्प्लिट कराओगे सर वहां पे, आप क्या बात कर रहे हो? देखिए आगे आगे होता है क्या. अब वो तो बोल रहे हैं, शरद पवार वाला ग्रुप जो है वो तो बोल रहा है कि आपके पास जितने लोग हैं वो सब इधर आ रहे हैं शरद पवार साहब के पास, क्योंकि याद नहीं बचेगी. देखिए अभी अजित पवार जी और प्रफुल्ल पटेल जी को, तटकरे को, भुजबल को, सबको मिलके हमारी कार्यकर्ताओं को ताकत देनी चाहिए. अगर ये नहीं होगा तो आने वाले कल में भी एनसीपी का रिजल्ट पॉजिटिव जो हम चाहते हैं वो नहीं ला सकते हैं, और ये काम होना चाहिए, वो बहुत जरूरी है. और वैसे ही जरूरियात बीजेपी में भी है. बीजेपी में भी मैंने देखा है कि बहुत बड़ा असंतुष्ट है. मैंने आपको एक बार लास्ट टाइम चैनल में भी बोला था कि पीयूष गोयल की सीट के ऊपर भी लोकल एमपी एमएलए ने काम नहीं किया, उतना काम बाहर से कार्यकर्ताओं ने आके किया, उसके कारण भी तकलीफ हुई. महिलाओं को कोई मानधन, ये मानधन नहीं मिला, कुछ नहीं मिला, और बहुत बड़ा असंतोष हुआ था. तो और जो शिंदे जी और ये जो तीनों का यूपी का जो तीनों की यूनिटी थी, वो यूनिटी के हिसाब से जो इलेक्शन में एक दूसरे को सपोर्ट मिलना चाहिए, वो सपोर्टिंग मशीनरी, उसका कोऑर्डिनेशन थोड़ा पुअर लगा,
इसके कारण इतनी बड़ी हार यूपी को भुगतनी पड़ी है। गांधी साहब 25th फाउंडेशन डे आज अजित पवार जी और एनसीपी सेलिब्रेट किया। अजित पवार जी ने एड्रेस करते हुए क्या कहा कि शाहू फुले अंबेडकर ये जो हमारे हैं तो इसको हम लोग भूल के ये आइडियोलॉजी के बाहर हम जा नहीं सकते। इस चुनाव में बहुत सारे ऐसे आए कि संविधान बदलने वाले हैं और संविधान बदलने के जो बातें होने के वजह से जो अंबेडकराइट वोट्स है वो पिछड़े वोट है वो डर गए, अल्पसंख्यक वोट डर गए, वो हम लोग जोड़ नहीं कर पाए, सबको जोड़ने में थोड़े नाकामयाब अनसक्सेसफुल रहे। तो ये क्या एडवाइस दे रहा था? तो इजी वॉज ट्राइंग टू अक्यूज कि 400+ विदाउट अ सॉल्यूशन जो बार बार बोल रहा था, इसलिए बहुत हानि पहुंचा है सबको। हाउ डू यू सी दैट गांधी सर? देखिए ऐसा है, हमारे एनसीपी के सभी नेता शाहू अंबेडकर और ये सब जो ज्योतिबा फुले जी का, इनके प्रिंसिपल पे हम चल रहे हैं, इनके लिए हम काम कर रहे हैं और हमारी ये पार्टी के सारे नेताओं की एक्सपेक्टेशन ये है कि हमने जो सेक्युलरिज्म जो लेके एनसीपी का फॉर्मेशन पहले किया था वही रास्ते पे हम आगे चलेंगे। पर अभी बात ऐसी हो गई है कि ये जो सेक्युलरिज्म का जो नारा है ना, वो नारा पूरा उद्धव ठाकरे और शरद पवार जी ने ले लिया है, कांग्रेस ने ले लिया है। अब एनसीपी को इनके ऊपर जाके दूसरी कुछ बात करनी पड़ेगी, क्योंकि मुझे नहीं लगता है कि आने वाले इलेक्शन में भी अल्पसंख्यकों के मुस्लिमों के वोट हमको मिलेंगे ज्यादा, हम कितना भी प्रयत्न करें। और हम सब हमेशा अल्पसंख्यकों की बात करते हैं पर दूसरी जातियों के, दूसरी भाषी लोगों की हम बात नहीं करते हैं कि जैसे गुजराती, मारवाड़ी, मद्रासी और प्रकार के जो लोग हैं बंबई में और महाराष्ट्र में बसते हैं उनको साथ में लेने का कोई एजेंडा नहीं बनाते हैं। हम बनाते हैं अल्पसंख्यकों को साथ में लेने का, पर अल्पसंख्यक अभी पूरा जो वोट बैंक है वो कांग्रेस, उद्धव ठाकरे और शरद पवार जी के पास में बैठ गया है, उसको रिवर्ट बैक करना आने वाले समय में मुझे तो डिफिकल्ट दिखता है। अभी अजित पवार जी और हमारे नेता कोई चमत्कार करें, कोई ऐसी नीति बनाए और कोई ऐसा मुस्लिम लीडर मसीहा बन के काम करे तो ये वोट हमारी पार्टी में डाइवर्ट होंगे, बाकी बहुत डिफिकल्ट है। और अभी जनाधार किस तरह से कैसे बढ़ाना चाहिए और कितनी झड़प से, कितनी स्पीड से बढ़ाना चाहिए ये बहुत जरूरी है, और वो नहीं होगा तो आने वाले विधानसभा में भी हमारा रिजल्ट कोई ज्यादा। सर यहाँ पर आपसे जानना चाहता हूँ बात, मुकेश गांधी सर। हाँ जी, आपने उसको मेंशन तो किया है लेकिन मैं चाहूंगा कि उसको जरा विस्तार से बताएं। हाँ जी, भारतीय जनता पार्टी अजीत दादा पवार के एनसीपी जहाँ पर आप हैं और एकनाथ शिंदे साहब की शिवसेना, इनका इंजन जो है वो भारतीय जनता पार्टी है। अगर भारतीय जनता पार्टी स्ट्रांग रहेगी तो आप सब लोग स्ट्रांग रहेंगे। तो बीजेपी को क्या करना चाहिए सर? क्योंकि बीजेपी आप खुद देखिए ना, 23 सीटों से बीजेपी 9 सीट पर आ गई है, इसके बावजूद के बीजेपी इस बार ज्यादा सीटों पर लड़ी, 34 सीटों पर लड़ी है और सिर्फ 9 सीटें जीत के आई है सर, मतलब लेस देन 25% स्ट्राइक रेट जो है उनका। तो बीजेपी को भी आपको लगता नहीं है कि वहां पर कुछ देर शुड बी सम चेंज समवेयर, समथिंग मोर सीरियस शुड हैपन, दे शुड सीरियसली इंट्रोस्पेक्ट ऑन व्हाट इज इट दैट दे आर डूइंग? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के भीतर भी बहुत अंतर कलह चल रहा है, अब आप बताएं सर। देखिए मैंने लास्ट टाइम बीच में भी आपको एक बार हमारी टॉक के दरमियान कहा था कि बीजेपी ने देवेंद्र फडणवीस के आजू बाजू में जो भी ग्रुप है बना हुआ है वहां इतना कुछ वातावरण ये हो गया है कि कार्यकर्ताओं में जबरदस्त संतुष्ट है। और दूसरा कि इतनी सारी मिनिस्ट्री होने के बाद में भी मैं कभी कभी मंत्रालय जाता हूं, देखता हूं कि लोग लंबी लंबी लाइनों में कतारों में खड़े हैं, बाहर मंत्रालय की मंत्रियों के ऑफिस के बाहर खड़े हैं, लोगों के काम भी फटाफट होने चाहिए, गरीब लोगों के, मध्यम वर्गों के, किसान लोगों के, वो काम भी वहां होते हुए मैंने देखा कि नहीं हो रहे हैं। तो इसका असंतोष है। और जो इन्फ्लुएंस से आते हैं, जो अपनी वग लगाते हैं, अपना व्यवहार करते हैं, उनको आगे जाने का चांस मिलता है।
ये बात बाहर आपको कोई कहेगा नहीं, पर मैंने तो ये देखा, तब से मुझे लगा कि हमारे ये सब नेता मंत्रिमंडल के लोग भी पार्टी जनादेश से कॉमन मैन से क्यों विमुख हो रहे हैं। मिनिस्ट्री तो इन्होंने दिलाई है ना, लोगों ने दिलाई है। और दूसरी बात कि आप अभी जो भी जनसभाएं करते हो वहां हम पेड अप वर्कर्स लाते हैं, बस ये जिला प्रमुख को इतनी बस भरनी है, तालुका प्रमुख को इतनी बस भरनी है, और एक बस का इतना खर्चा, एक बस का वो खर्चा, ये सारी पार्टियों में, खाली हमारी पार्टियों में नहीं, युति में नहीं, सभी पार्टियों में पेड पीपल को सभाओं में लाया जाता है। इसलिए हमको लगता नहीं है कि मास प्रोवोकेशन का, जिस तरह से बाला साहेब ठाकरे, जयप्रकाश नारायण जी के जो लोक आंदोलन करके लोगों को बुलाते थे, ऐसी कोई बात होती नहीं है। तो अभी आने वाले इलेक्शन में बीजेपी अपना जनाधार कैसे बढ़ाएगा? हिंदुत्व के मुद्दे पे हम कमजोर हो गए हैं, क्योंकि हमारे हिंदुत्व का मुद्दा अगर है तो हम खुल के बोलना चाहिए। आज तो क्या हो गया है कि बंबई में आप वातावरण देखेंगे तो मुझे मेरे अच्छे एक दोस्त ने सर्वे रिपोर्ट करके बताया है कि आने वाले दिनों में हिंदुओं को बंबई में मुसलमानों से डरना पड़ेगा। अभी ये वाक्य कैसे बोला, किस रेफरेंस में बोला, वो आप समझ गए होंगे, क्योंकि हिंदू एक प्रकार के वोटिंग के लिए आगे आना चाहिए, वो आते नहीं है, नेता भी उनको प्रोवोकेशन नहीं करते हैं, सब हमेशा हम आंबेडकर साहू और इनकी बात करते रहते हैं, पर एक जो कॉमन हिंदू है, छोटा सा हिंदू है बेचारा, जो मंदिर में भक्ति भाव से जाता है और श्रद्धा से नरेंद्र मोदी जी को मान करके बीजेपी को वोट लेने का प्रयत्न करते हैं, फिर भी उनको जस्टिफिकेशन नहीं मिलेगा। आज महाराष्ट्र में और बंबई में बीजेपी को स्टेटिस्टिक्स दिखाना चाहिए कि सारी नरेंद्र मोदी जी की योजनाओं का लाभ कितने परसेंटेज कितने लोगों को मिला है। गवर्नमेंट के इतने सारे निगम और इतनी सारी पोस्ट, इवन कॉमन छोटा एससीओ जैसा पोस्ट भी कोई कार्यकर्ता को मिला नहीं है। तो ये क्या सब मिनिस्टर होने के बाद में सिर्फ अपना घर भर गया और लोगों को तमाशा देखते रहे, लोगों को तालियां बजाते रहे, हमारी बर्थडे का होर्डिंग लगाते रहे, बस इतने तक ही सीमित है। लेकिन सर एनडीए की जो ये मेरा आक्रोश सर, एनडीए की जो वोट परसेंटेज है आज की तारीख में, वो तो इतनी जबरदस्त है, इतनी जबरदस्त है कि, और इतनी कॉन्सेंट्रेटेड और फोकस्ड है कि मुझे नहीं लगता कि अनलेस एंड अंडर समथिंग मेजर हैपेंस, व्हिच आई डोंट नो व्हाट विल हैपन। देखो आप कोई भी बीजेपी के और हमारी पार्टी के या इसमें शिंदे में सब बड़ी बड़ी बातें करेंगे, अभी उससे कुछ होने वाला नहीं है जी। हमारा फुग्गा फूट गया है जी, अभी नया फुग्गा लेके उसको फुला के हवा भर के उसको आकाश में उड़ाना है, वो उसके लिए बहुत कठोर परिश्रम, ऑनेस्टी चाहिए, और छोटे से छोटे वर्कर को कॉन्फिडेंस में लेने को पार्टी के सभी नेताओं को आना चाहिए। आज देखो कहीं भी सम्मेलन होता है, आज हमारी पार्टी का भी सम्मेलन हुआ तो कॉमन आदमी को माइक नहीं मिलता है, वही के वही नेता वही के वही स्पीचे देते हैं और वही का वही ये बताते हैं। फिर बीजेपी होगी, शिवसेना होगी, एनसीपी होगी या कोई भी पार्टी होगी, गिने हुए 10-12 नेता, 5-6 नेता अपना भाषण देते हैं और बड़ी बड़ी बात करके लोगों को समझते हैं कि हमने कार्यकर्ताओं को कंसोलेशन दिया, पर कार्यकर्ता की आवाज अब सुननी पड़ेगी। सर एक चीज तो आपको माननी पड़ेगी, महिलाओं को बड़ा विशेष सम्मान देना चाहिए। अभी नई नई महिलाएं आती है इसलिए पुरानी महिलाओं को बाजू पे रख दो, पुराने कार्यकर्ताओं को बाजू पे रख दो, ये बात नहीं होनी चाहिए। उद्धव ठाकरे जी का एक प्लस पॉइंट मैंने देखा कि उसने अपनी शिवसेना में कितनी बड़ी उम्र की पुरानी भी जो लेडीज थी वो काम करती थी तो उनको आगे बढ़ाया और उसके कारण उनके यहाँ महिलाओं का संगठन जबरदस्त हुआ और वो उनको इलेक्शन में फायदा लेकर भी आया। लेकिन एक चीज बता दें सर, सुप्रिया सूले जी ने जिस प्रकार जीत हासिल करी 1.5 लाख वोटों से बारामती में, उससे एक जबरदस्त मैसेज गया है सर हर एक, भले आप माने या ना माने, एनसीपी जो अजीत दादा पवार की एनसीपी है उसके अंदर भी जबरदस्त संदेश गया है कि असली एनसीपी तो इधर है भाई, आप लोग उधर क्या कर रहे हो, बताएं सर। देखिए सुप्रिया जी की जो जीत थी वो निश्चित थी, हमको एज ए प्रवक्ता कहना कहना पड़ता था कि हम जीतेंगे जीतेंगे, पर हमें मालूम था
कि सुप्रिया जी जीत के आएगी, और जो बीजेपी ने अजीत पवार जी को एक मोहरा बना दिया और उनको उनकी फैमिली के सामने, फैमिली के अपने पत्नी को खड़ा करा के बीजेपी ने जो काम किया वो बहुत गलत काम किया। अजीत पवार जी ने एक प्यार से एक्सेप्ट कर लिया वापिस में, ये एक बहुत बड़ी भूल हो गई है ऐसा मुझे लगता है। और उसके कारण क्या हो गया कि दो चीजें हुई कि सुप्रिया जी के सामने खड़ा किया उसमें मतों का विभाजन जबरदस्त हो गया, और दूसरा शिवसेना को और एनसीपी को नकली शिवसेना नकली ये कहने से बहुत बड़ा नुकसान हो गया, और सारा इमोशनल वाटर्स जो है वो उनकी फेवर में चला गया। Correct. और महायुति के अगेंस्ट में हो गया। मगर मुकेश गांधी साहब आप पे ये भी सुप्रिया सुले जी ने आरोप लगाया कि आपने प्रशासन को साथ में लेके तुतारी, एक ही कॉन्स्टिट्यूएंसी में दो तीन तुतारी, इनके तुतारी थे आदमी के साथ, दूसरे आपने पर्सनल तुतारी, इंडिपेंडेंट तुतारी करके बहुत सारे कैंडिडेट्स को उतार दिया मैदान में, आपने सेम नाम का अलग अलग लोगों को उतार दिया मैदान में शरद पवार जी के कैंडिडेट को हराने के लिए, तो और फिर बारामती कॉन्स्टिट्यूएंसी में आपने मैन पावर का गलत इस्तेमाल करके थ्रेटनिंग कर दिया शरद पवार जी के कैंडिडेट्स को, तो आपने हर हथकंडे अपनाए और हर हथकंडा से उनको फायदा ही हुआ कि 8-10 में से 8 सीट वो निकाल पाए, और 9वें भी सीट उनका निकलने वाला था तो, मगर वहां पर भी वो तुतारी करके जो गलत फहमियां आप लोगों ने फैलाए थे, तो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट विद तुतारी उनको वोट बहुत पड़ गए। तो आपके तो ये आपने मिसयूज ऑफ मशीनरी, सुप्रिया सुले जी का आरोप है आप पर, यू इंडल्ज इन मिसयूज ऑफ मशीनरी टू डिफीट शरद पवार कैंडिडेट्स। गांधी साहब, सुप्रिया जी ने जो बात कही है वो सब बात सही है, वो आपने ही अपने प्रश्न में उनका जवाब दे दिया है। ये तुतारी को करके, तुतारी वो थी नहीं तो उसका नाम अलग देना चाहिए था, सिंबल अलग देना चाहिए था। ये कॉन्ट्रावर्सी तो उसके कारण शशिकांत शिंदे की एक सीट चली गई शरद पवार घट में से, तो ये सही नहीं है। और देखिए ऐसा है, हम इलेक्शन के अंदर इंदिरा गांधी जी के टाइम में भी इस तरह से कई मैन्युपुलेशन हुए थे, तो वो करने का भी नुकसान इंदिरा गांधी जी को भी सहना पड़ा, तो हम लोग क्या है, अगर ऐसा हुआ है तो उसका नुकसान ही हुआ ना। सुप्रिया जी को तो फायदा हुआ, शरद पवार जी के घट को तो फायदा हुआ इससे, लेकिन एक चीज माननी पड़ेगी। तो उनको बोलना चाहता हूँ कि उनको तो तुतारी का डुप्लीकेशन जो ये किया उससे उनकी तुतारी बहुत फेमस हो गई जी, आज घड़ी से ज्यादा, अभी उनको बोलेंगे घड़ी का सिंबल ले लो तो बोलेंगे नहीं हमारी तुतारी चाहिए। लेकिन एक चीज है मुकेश गांधी साहब, एक चीज माननी पड़ेगी, सुप्रिया जी ने इसके बावजूद कि अजीत दादा ने बड़े अभद्र शब्दों का इस्तेमाल किया, प्रयोग किया शरद पवार जी की को लेकर के, और बहुत आक्रामक रहे वो बारामती के चुनाव के कैंपेन में, उसके बावजूद सुप्रिया सुले जी अपनी काकी के घर पे गईं, उनका आशीर्वाद लिया, और सुनेत्रा जी को लेकर के उन्होंने हमेशा ये कहा है कि वो हमारी भाभी हैं, एंड आई विल ऑलवेज लव हर एंड आई रिस्पेक्ट हर। और तो और छोड़िए, जीतने के बाद सबसे पहले वो अजीत दादा के घर गई, तो आई थिंक दैट शोज अ लॉट ऑफ क्लास, शोज अ लॉट ऑफ क्लास, अ लॉट ऑफ ग्रेस। मुकेश गांधी साहब, नहीं, सुप्रिया जी बहुत स्मार्ट और एक दक्ष स्त्री है, तो वो जो उन्होंने किया वो सही किया है, उसके लिए मैं कोई उसके ऊपर क्या कॉमेंट करूँ, अच्छा किया उन्होंने। गांधी साहब, यू नो हाउ डू यू सी मोदी 3.0, मोदी जी के थर्ड टर्म 3.0 आपने कैसे, अडवाणी जी के पास गए उनसे आशीर्वाद लिया, मुरली मनोहर जी के घर में गए उनसे आशीर्वाद ले लिया, यू नो रामनाथ को, तो ये मेलो हैज मोदी 3.0 मेलो डाउन। 3.0 में क्या कॉम्प्रोमाइजेस करने पड़ेंगे, यूनिफॉर्म सिविल कोड पे कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा, यू नो अग्निवीर स्कीम पे कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा, तो ये सब यू नो बहुत सारे इश्यूज पे क्या मोदी जी को कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा, आप इसको कैसे देखते हो मोदी 3.0? देखिए मोदी जी को कोई कॉम्प्रोमाइज करना नहीं पड़ेगा, ये सारी फॉर्मूला गवर्नमेंट फॉर्म होने से पहले
चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार के साथ डिस्कस हो गई है, और जिस तरह से आप देखो कि मिनिस्ट्रियों का सेटिंग हुआ है और जिस तरह से मिनिस्ट्रियों को बांट दिया है सबके अंदर, इसके हिसाब से पूरा ये जो भी नरेंद्र मोदी जी करना चाहते हैं वो थोड़ा समय लेगा, थोड़ा वक्त लगेगा, पर उनके सारे स्टेटमेंट और इश्यू जो इन्होंने रखे हैं वो सारे अगले समय के अंदर पूरा होगा। कॉमन सिविल कोड तो आएगा ही, वो तो कॉन्स्टिट्यूशनल भी एक्सेप्टेड है, इसमें कोई तकलीफ नहीं पड़नी चाहिए। पर अभी एक ही बात देखनी है कि कांग्रेस का अभी थोड़ा जोर बढ़ा है, उनकी ताकत बढ़ी है, तो कल कांग्रेस नरेंद्र मोदी जी के अच्छे मुद्दों के बावजूद भी उसको असेंबली में, लोकसभा में, राज्यसभा में पास करने में कितना सपोर्ट देते हैं वो देखना पड़ेगा। और लोगों को भड़काने का काम अभी ऑपोजिशन नहीं करे तो अच्छा है, क्योंकि अभी देश हित में जो काम बहुत होना जरूरी है अगले 5 साल में जी, वो नरेंद्र मोदी जी है तो हो जाएगा। देखिए, एक तो बात है कि हमारा हिस्ट्री, हमारा इतिहास जो बिगड़ा है, जो पूरा डाइवर्ट किया गया है, और मैकॉले की शिक्षण पद्धति से बना हुआ है, वो तो वैसे भी हो सकता है, उसमें क्या है, उसमें कोई मेजॉरिटी की जरूरत नहीं। देखिए, तो उसमें भी थोड़ा चाहिए। अभी देखो, मनुस्मृति का कुछ नहीं हुआ था तो भी मनुस्मृति का या महाराष्ट्र के अंदर एकदम, सर वो तो 10 साल था ना, 10 साल में क्यों नहीं किया, पूछ रहा हूँ सर आपसे। चलिए, वो तो बड़ा लंबा डिस्कशन है सर, वो तो बहुत लंबा डिस्कशन है। नहीं, मेरा कहने का मतलब क्या है कि कई इश्यू ऐसे है कि जो आने वाले कल में 100% होंगे, थोड़ा समय भी लगेगा। वहां पर आपको बहुत मुश्किल होने वाली है नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू को लेकर के, क्योंकि उनके पास बहुत बड़ा तबका है माइनॉरिटी सपोर्ट का। लिहाजा चंद्रबाबू नायडू ने प्रॉमिस किया 4% मुस्लिम रिजर्वेशन, क्या करेंगे उसके ऊपर नरेंद्र मोदी जी? उनके वो तो उनके ओरिजिनल एजेंडा में उन्होंने रखा हुआ है जी, बिल्कुल है। तो उसमें क्या कर सकते हैं वो? आज क्या नरेंद्र मोदी जी ये कह सकते हैं कि मुझे चंद्रबाबू नायडू का सपोर्ट नहीं चाहिए? कैन ही से दैट? ही कांट। नहीं, अभी तो वही ना सर, कि जहां तक मोदी जी का सवाल है उनको जरा बैलेंस करके चलना पड़ेगा। अभी नहीं, वो तो बैलेंस किए बिना अभी वो चल ही नहीं सकते ना सर। इन एनी इवेंट सर, वेरी हैप्पी 25th एनिवर्सरी टू यू, आपकी 25वीं वर्षगांठ है एनसीबी की, उसके लिए आपको बहुत बहुत मुबारकबाद। थैंक यू सर। अभी तक मैंने सोचा कि आपने मेरी 25 साल के मुझे छोटे बना दिए, आपने क्या बात है। अभी तक वैसे मिठाई नहीं आई है उसकी, और एडिशनल 4 MP कहां से लेके आएंगे जरा बोल देना, बजाज साहब को आपने वादा किया। कल हाँ जी, आज आज जरूर जरूर। थैंक यू वेरी मच सर, ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू वेरी मच मुकेश गांधी सर। थैंक यू, नाइस ऑफ यू। नमस्कार सर, जय सियाराम। जय सियाराम। एंड एट द मोमेंट विद अस आवर वेरी ओल्ड फ्रेंड, द मोस्ट करेजियस किसान लीडर आई हैव एवर नोन।